हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने अपने अध्याय ग्यारह को स्टार्ट कर चुके थे। पार्ट नंबर एक में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ सर, हमने बेसिक कॉन्सेप्टों को सीखा और साथ ही साथ हमने एक नंबर वाले प्रश्नों के बारे में भी तैयारी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में पार्ट टू में मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले, जो कि आपको बिल्कुल कोई एक दो में से कोई एक आपको प्रमेय आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो बिल्कुल बच्चों, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए। तो बच्चों, हमारा जो मिशन चल रहा था, उस मिशन का नाम क्या सर, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला सर, ये है अध्याय 11 के अंतर्गत आने वाला जो आपका भाग दो है। भाग दो में हम पढ़ने वाले पाइथागोरस प्रमेय एवं थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ने वाला है। टेन स्टार लगाकर रखना, टेन स्टार दोनों प्रमेय में से बिल्कुल एक ना एक प्रमेय आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि पांच नंबर के लिए पूछे जाएंगे। कितने? पांच नंबर के लिए वाले। हम दो महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। ये जो प्रमेय ऐसा है जो अधिकांश बच्चों से बिल्कुल नहीं बनते हैं सर, हम इसको कैसे समझें, ये हमें याद नहीं होते, ये हमें बनाने नहीं आता है, हमारा पांच नंबर तो गया। बिल्कुल बच्चों ऐसा नहीं होगा। एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे ना, तो जिंदगी भर के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय को नहीं भूलने वाले। मैं आपको एकदम खूबसूरत अंदाज में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अब बात यह आती सर कि पाइथागोरस प्रमेय एवं थेल्स प्रमेय से संबंधित कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन किया जाएगा। तो डायरेक्टली हम जाना पसंद करेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, और यह रहा हमारा पहला नंबर का प्रमेय। देखो प्रमेय कैसे पूछता है, देखो प्रमेय, तो इस क्वेश्चन को पूछने का दो तरीका होता है। पहले तरीका में क्या बोला गया है, इस बात को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका पहला तरीका हुआ पूछने का। दूसरा तरीका से मैं क्या पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ये तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दो टाइप से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों टाइप का एक ही जवाब होने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर ये दो के अंतराल में पूछा जा रहा है। 20 में पूछा गया था, 22 में पूछ लिया गया है, तो 23 में भी पूछे जाने के चांसेस बनेंगे। तो तीनों सेट में ये पूछा गया था। तो सर, अब हम इसका आंसर कैसे लिखें कि हमें पूरा 5 में 5 नंबर मिले। अब इस बात को नोटिस करना, देखो इस बात को आप नोटिस करना, ठीक है। तो इस बात को नोटिस करना, अब यहां पर हम इसको लिखेंगे कैसे सर, हमें 5 में 5 नंबर मिले। चलो मैं आपको लिखने का फॉर्मेट बताता हूं और इसकी हम उपपत्ति भी करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर लिखो आप हल। क्या लिखो सर? हल लिखो। हल लिखते ही क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर डालो हेडिंग पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय मैंने लिखा। चलो देखिए बच्चों, अगर ये पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो यहां पर तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में स्टेटमेंट दिया गया। अगर दूसरे टाइप में पूछ लेगा कि पाइथागोरस को प्रमेय को लिखो भी और सिद्ध भी करो, तब के कंडीशन में ये लाइन आपको याद रखना है, ये लाइन आपको याद रखना है, समझना पड़ेगा। बिल्कुल देखो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको यहां पर एक त्रिभुज बनाकर दिखा देता हूं। देखो मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया, चलो ये है हमारा सर त्रिभुज। क्या सर? ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। सो इस त्रिभुज को हमने नाम दिया एबीसी। यहां पर मैंने एक नाम दिया त्रिभुज एबीसी। अब ये त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। क्या बच्चों? समकोण त्रिभुज है। ये जो कोण बी का मान है वो 90 अंश का है, और हमें पता कि सर 90 अंश के सामने वाले भुजा को हम तो कहते हैं कर्ण। अब मान लेते हैं कि यहां पर अज्ञात कोण बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं सर लंब। एक भुजा और बच चुकी है, इसको हम बोल देंगे आधार। बिल्कुल। तो यहां पर एक बात और नोटिस करना कि सर पाइथागोरस जो प्रमेय होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस जो प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। कहां पर? समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय क्या कहता है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजा, अब शेष दो भुजा कौन कौन से बच चुकी है, ये आधार और ये लंब, दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी स्टेटमेंट को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों
के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट बच्चों आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं यानी कि आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। तो फर्स्ट में आप क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय को लिखोगे, फिर नीचे लाइन में क्या करोगे, आप चित्र बनाओगे। ये मैंने पहले चित्र बना दिया। चलो अब इसको मैं प्रूफ करके आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। देखो सबसे पहले क्या करके बताएं बच्चों, वापस से मैं इसी चित्र को बनाकर दिखा देता हूं, क्योंकि मैं आगे पीछे करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छे मैं क्या करता हूं, इस चित्र को मैं आपको न्यू स्लाइड में एक बार और बनाकर दिखा देता हूं। बिल्कुल आज कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे एक बार। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा है। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर चित्र बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो मैंने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। चलो इस समकोण त्रिभुज का हम नामकरण भी कर देते हैं। देखो ये हुआ ए, यहां पर जो कोण बी है वो समकोण होगा, यानी कि 90° का होगा। ये 90° का हो चुका, बिल्कुल सर। 90° के सामने वाले भुजा को हम बोल देंगे कर्ण, ये कर्ण हुआ। यहां पर थीटा बना है, थीटा के सामने वाले भुजा को चलो हमने बोल दिया लंब, बिल्कुल सर बोल दिया। एक जो भुजा बच चुकी है इसको हम बोल देते हैं आधार, बिल्कुल सर मैंने आधार इसको बोल दिया। ठीक है चलो आ जाओ। अब देखो पहला हमारा स्टेप था पाइथागोरस प्रमेय के स्टेटमेंट को लिखना, दूसरा नंबर में हमने बना लिया चित्र, दूसरा नंबर में सर हमने बना लिया चित्र। उसके बाद तीसरे स्टेप में हमें लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है ना, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बाकी दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पहले मैं बराबर का चिन्ह लगा दिया। दो शेष भुजा कौन कौन से बच चुकी है, सर ये आधार बच चुकी है, आधार को चिपकाओ यहां पर, आधार का वर्ग और ये लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग बोला गया इसलिए मैंने यहां पर धन का चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल यहां तक की कहानी सर अच्छे से क्लियर। अब देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब इस बात को नोटिस करना। देखो यहां पर ये कर्ण क्या हुआ, ये एसी हुआ, तो मैं डायरेक्टली यहां पर एसी का वर्ग, यहां पर मैं वर्ग लगाना भूल गया, वर्ग लगा लेना। ठीक है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग के, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। बिल्कुल यहां पर वर्ग लगने वाला है, तो एसी का वर्ग बराबर आधार क्या होगा, ये आधार होगा हमारा ये बीसी, तो बीसी का वर्ग प्लस है तो प्लस। फिर लंब का वर्ग, ये हमारा लंब हुआ, तो लंब क्या है सर यहां पर, ये हो चुका एबी का वर्ग। ये हमें प्रूफ कर दिखाना है, ये सर हमें प्रूफ कर दिखाना है। बिल्कुल इसको चलो मैं बॉक्स में पैक कर लेता हूं। देखो ये हमें प्रूफ करना, देखो ये चीज हमें प्रूफ करना है, बिल्कुल कर देंगे सर। तो ये हमारा हुआ तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहां पर मैं एक रचना करने जा रहा हूं, क्या रचना करूंगा इस बात को यहां पर लिखने जा रहा हूं। देखो रचना, तो रचना देखो क्या रचना करेंगे, देखो तो वापस चलो अपने समकोण त्रिभुज पर और यहां पर मैं एक रचना करने वाला हूं। मैं क्या कर रहा हूं, शीर्ष बी से भुजा एसी पर मैं अभिलंब डाल रहा हूं। अभिलंब मैंने डाला डी, बीडी मैंने डाला, मैंने क्या किया, शीर्ष बी से हमने एक अभिलंब डाला हुआ है, बीडी कहां पर, भुजा एसी पर डाले हुए। अब इस बात को हम लिखेंगे कैसे, देखो तो यहां पर हम लिखेंगे ऐसे, शीर्ष बी से हमने क्या किया, एक अभिलंब डाला, उस अभिलंब का नाम है सर बीडी, और किस पर डाला है, तो भुजा एसी पर डाला है। ये आपको जो चिन्ह दिख रहा ना, ये बच्चों अभिलंब का चिन्ह है। किसका चिन्ह सर, अभिलंब का चिन्ह। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब देखो ठीक है चलो, अब यहां से हम उपपत्ति करना स्टार्ट करेंगे, प्रूफ करना स्टार्ट करने वाले हैं, प्रूफ करना हम अब यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति जो हमें प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। बिल्कुल देखो, तो देखो बच्चों वापस आओ अपने चित्र पर और देखो यहां पर आपको दो यहां पर त्रिभुज दिख रहे हैं, दो त्रिभुज दिख रहा है, कौन कौन से सर, तो पहला नंबर में जो त्रिभुज दिख रहा है मुझे ऊपर की तरफ, मैं ऊपर के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो पहला नंबर मुझे दिख रहा है ए डी बी। अब ये जो हमने अभिलंब डाला हुआ है, जब अभिलंब डालते हैं तो ये 90° का कोण बनेगा और ये भी 90° का कोण बनेगा, तो ए डी बी एक क्या होगा सर, ये बनेगा समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा सर, समकोण त्रिभुज बनने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, समकोण त्रिभुज ए डी बी वह एक और समकोण त्रिभुज है, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ए बी सी, दोनों को मैं समरूप प्रूफ कर दूंगा, दोनों को मैं समरूपता प्रूफ करने वाला हूं, ये मेरा पहला उद्देश्य होगा। बिल्कुल सर, देखो सर अब दोनों को हम समरूप कैसे प्रूफ करेंगे, मुद्दा यह है। देखो तो मुद्दा यह है कि हम दोनों को प्रूफ करने जा रहे हैं समरूप। देखो बिल्कुल ठीक है चलो आ जाओ। देखो
अब इस बात को यहाँ पर नोटिस करो, देखो यहाँ पर ये जो कोड डी है ना, कोड डी है ये 90 अंश का है, ये पहले वाले त्रिभुज के लिए हुआ, और यहाँ पर जो कोड बी है वो 90 अंश का है, तो कोड डी का मान नाम कैसे लिखेंगे, ए डी बी, ये हो जाएगा कोण ए डी बी बराबर, ये हो जाएगा सर कोण ए बी सी, दोनों क्या है बच्चों, दोनों 90-90 अंश का है, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक क्या बच्चों 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश, ठीक है, दोनों क्या हो चुके 90-90 अंश का हो चुका, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी क्लियर है। अब देखो तो यहां पर अब ये ऊपर में जो त्रिभुज दिख रहा है इसको देखो, यहां पर आपको कोण ए दिख रहा है, कोण ए दिख रहा है, और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आपको ये कोण ए दिखने वाला है, यानी कि जो कोण ए है वो पहले वाले त्रिभुज में भी है और दूसरे वाले बड़े वाले त्रिभुज में भी है, यानी कि ये उभयनिष्ठ है, क्या बच्चों उभयनिष्ठ है। अब इस बात को यहां पर लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण ए, अब रीजन में लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है, बिल्कुल उभयनिष्ठ कोण हो चुका, उभयनिष्ठ कोण क्या बच्चों, ये कोण ए हो चुका, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब देखो बाकी को मैं इस साइड आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, कुछ भी दम नहीं है, एक बार इसको सीख लें अच्छे से तो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, बिल्कुल आ जाओ देख लो, तो दोनों देखो पहले वाले त्रिभुज और दूसरा वाला त्रिभुज दोनों में दो कोण हो चुके हैं बराबर, जब बच्चों दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो चुके हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है, समरूप को मैंने चिन्ह लगाया त्रिभुज ए बी सी। अब यहां पर कौन सा नियम लगाया, तो कोण समरूपता, कोण समरूपता से, ये बात आप यहां पर बिल्कुल रीजन में दर्शा दोगे कि कोण समरूपता से सर ए डी बी और ये त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या होंगे सर, समरूप होने वाले हैं। और हमने एक बात अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, बिल्कुल सर। अब देखो अब यहां पर देखो, यहां पर मैं एक और चित्र आपको बनाकर दिखा रहा हूं, खैर ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहां पर दो समकोण त्रिभुज और बनाकर दिखा देता हूं, देखो देखो ये ठीक है, देखो तो मैंने कहा है कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या है, दोनों समरूप हो चुके हैं, तो इसी त्रिभुज को मैं यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं, मैंने कहा था ना कि ए डी बी समकोण है, तो इसका नाम क्या होगा, यहां पर ये 90 अंश का कोण यहां पर बन रहा है, ये समकोण होगा, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा डी को, क्योंकि डी जो है वो समकोण है ना, डी जो है वो समकोण है, ऊपर में आएगा सर ये ए आ चुका, और इधर क्या आएगा सर, ये आ चुका बी, ये आ चुका बी, अब बड़े वाले त्रिभुज में क्या ए बी सी है, तो इसको लिखो ए बी सी, मैं बार बार बोल रहा हूं चित्र आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो जो हमें सिद्ध करना है ना उसमें ये बीडी कहीं पर नहीं आया, ये देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें बीडी कहीं पर नहीं आया, तो मैं इस बीडी को काम पर नहीं लूंगा, और इस बीडी का संगत भुजा कौन सी सर, ये बीसी, तो मैं इस बीसी को भी काम पर नहीं लूंगा, तो मैं दो शेष भुजाओं को काम पर लेने वाला हूं, कैसे काम पर लूंगा, अब इस बात को समझना, मैंने कहा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके जो संगत भुजाएं हैं वे समान अनुपात में होते हैं, उनके अनुपात बराबर होते हैं, तो मैं क्या करूं पता है, यहां पर देखो मैं यहां पर अनुपात लेने वाला हूं, तो एडी एडी बटा मैंने कर लिया यहां पर ए बी, एडी बटा मैंने कर लिया यहां पर ए बी, देखो तो एडी यहां पर मैंने इस वाले त्रिभुज के लिए था, तो इसका संगत भुजा ये है ए बी है, तो यहां पर चिपकाओ ए बी, बटे में क्या आ जाएगा, देखो फिर हमने क्या लिया था इसके बटे में ए बी, यहां पर देखो बटे में क्या लिया था, ए बी लिया था ना, तो ए बी, तो इस भुजा को हमने लिया था, तो इस भुजा का संगत भुजा कौन सर, ये ए सी, तो यहां पर आपको चिपकाना सर ए सी, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है। अब क्या करो त्रिज्या गुणा कर दो, AB का गुणा करेंगे AB के साथ तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर, AC का गुणा करेंगे AD के साथ तो ये हो जाएगा सर AC इनटू ये हो चुका AD, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल। चलो इसको दो समीकरण नंबर एक, समीकरण एक दे दो, अभी हमारा 50% काम हो चुका है, 50% काम अब यहां पर करने वाले, देखो अब क्या करूंगा, वापस आओ अपने समकोण त्रिभुज पर और देखो फिर से मैं दो त्रिभुज को समरूप प्रूफ करने वाला, कौन कौन से, देखो यहां पर ये क्या है सर, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो इस 90 अंश का कोण का नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, तो ये होगा बी डी सी, तो बच्चों यहां पर आपको फिर से एक त्रिभुज दिखने वाला है, समकोण त्रिभुज दिखने वाला है जिसका नाम होगा बी डी सी, तो मैं क्या करूंगा यहां पर मैं लूंगा त्रिभुज बी बी डी सी, वह त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के बारे में फिर से बात करेंगे जो कि समकोण है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी दोनों को अब मैं प्रूफ करने वाला हूं समरूप, क्या प्रूफ करूंगा, समरूपता प्रूफ करने वाला, देखो बिल्कुल आ जाओ, तो अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हमें पता है कि ये 90 अंश का कोण बना है और ये भी 90 अंश का कोण बना है, तो इस कोण का नाम क्या होगा, तो
इस कोड का नाम होगा BDC। तो ये हो जाएगा सर कोड BDC बराबर कोड ABC। दोनों क्या है बच्चों 90 अंश का कोण है, दोनों क्या है 90 अंश का कोण है। तो यहां पर चिपकाओ प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक ये हो चुका 90 अंश। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है। अब यहां पर फिर से नोटिस करो कि सर यहां पर जो हमने त्रिभुज लिया था BDC उसमें ये कोण C भी आया हुआ है, और जो त्रिभुज ABC लिए थे ना उसमें भी ये कोण C आ रहा है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज में है। तो क्या होंगे सर, ये होंगे उभयनिष्ठ। क्या होंगे बच्चों, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण यहां पर लिख लो, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। और हमें पता है कि अगर किसी दो त्रिभुज में अगर दो कोण का मान बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या हो चुके, अब की बार दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके। इसलिए इसलिए त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो रीजन में क्या लिखोगे सर, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता। एक एक स्टेप को, एक एक लाइन को अच्छे से नोटिस करना, हर एक चीज को लिखना है, पूरे एक नंबर मिलेंगे। नहीं तो एक चीज आपने लिखना भूला तो आपके नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल बच्चों ठीक है, चलो अब देखो हमने यहां पर BDC और ABC दोनों को समरूप प्रूफ कर लिया है। तो वापस से मैं इसी की तरह एक और एक दो दो समकोण त्रिभुज यहां पर बनाकर आपको दिखाता हूं। ठीक, खैर यह आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बनाकर समझा देता हूं। ठीक है, यह आप अपने कॉपी में नहीं बनाओगे, समझने के लिए बना सकते हो लेकिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर, ये BDC को प्रूफ किया हुआ है और ये ABC को प्रूफ किया है, दोनों क्या है समरूप है। तो इस त्रिभुज में देखो ये जो कोण D है ना वो 90 अंश का है, तो यहां पर D चिपकाओ। फिर ऊपर में क्या था, यहां पर मैं B लिख दूं क्या, यहां पर मैं B लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं C। ये तो ABC ही रहेगा ना, ये ABC ही रहेगा। अब देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें BD नहीं है, BD नहीं है तो मैं इसको काम पर नहीं लूंगा। अब इसकी संगत भुजा कौन सी सर, ये AB है तो इसको भी हम काम पर नहीं लेंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो हम ये BD और ये AB दोनों को काम पर नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें ये DB नहीं है। बिल्कुल देखो, तो अब हम किसको किसको काम पर लेंगे, देखो तो सर मैं यहां पर इसको काम पर ले लूं क्या, CD, CD के अनुपात में मैं लेता हूं ये BC को, BC को ले लिया। अब इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब ये CD का संगत भुजा कौन सी सर, ये BC है तो BC चिपकाओ यहां पर। अब हमने फिर नीचे में लिया हुआ था BC, तो BC के संगत भुजा कौन सी सर, ये AC है तो यहां पर AC चिपकाओ। वापस से वही कहानी दोहराओ, BC का गुणा करो, BC से त्रिभुज गुणा करो। बिल्कुल, तो BC का अगर गुणा करेंगे BC के साथ तो 2BC कोई नहीं मिलेगा, ये BC स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, गुणा करते तो स्क्वायर बदल जाता है। तो यहां पर देखो AC का गुणा करूंगा मैं CD से, AC का मैंने गुणा किया CD से। चलो इसको दो समीकरण नंबर दो, तो हमें अब दो समीकरण मिल चुके हैं, ये समीकरण नंबर एक और ये समीकरण नंबर दो। अब के लाइन में हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। देखो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक धन दो से मैं दोनों समीकरणों को जोड़ने वाला हूं। और समीकरण को जोड़ते कैसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से जुड़ता है। तो समीकरण एक का LHS क्या है सर, ये AB स्क्वायर है। क्या है सर, ये AB स्क्वायर है। अब इसमें जुड़ेगा समीकरण नंबर दो का ये LHS जो कि BC स्क्वायर दिया गया बराबर। अब जुड़ेगा RHS, तो RHS यहां पर क्या दिया, AC इंटू AD, AC इंटू AD। समीकरण दो का RHS यहां पर दिया गया सर, ये दिया गया AC इंटू CD। बिल्कुल, तो इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो हमें सिद्ध करना था उसमें क्या था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पर हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल चुका है, एक पक्ष हमें मिल चुका बच्चों, एक पक्ष हमें मिल चुका है, इसी पक्ष को हमें हल करना पड़ेगा। तो यहां पर सर मुझे AC दिख रहा है, AC दिख रहा है, तो बैठे क्या हो, AC को निकाले कॉमन, AC को निकाले कॉमन। फिर क्या बचेगा, देखो AC को हमने कॉमन निकाला तो यहां पर बचा हुआ सर AD। बिल्कुल AD चिपकाओ, प्लस के साथ यहां पर यह CD भी बचा हुआ है, तो यह CD भी बचा हुआ है। बिल्कुल, इतना लिखते ही 2 सेकंड के लिए रुको और वापस चलो अपने चित्र पर। देखो तो यहां पर देखो ये AD और ये CD, इन दोनों की जगह सर मैं लिख सकता हूं ये AC, यानी कि AD प्लस CD की जगह बच्चों हम क्या लिख देंगे, ये लिखा जाएगा AC। बिल्कुल, तो देखो यहां पर मैं इस वाले बात को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा AC। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, AD प्लस CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, तो AC का गुणा होगा AC से, तो हमें क्या मिल जाएगा सर, यहां पर मिल चुका AC स्क्वायर। क्या मिल चुका बच्चों, AC स्क्वायर मिल चुका, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल चुका AC स्क्वायर। बाकी की कहानी इस साइड देखते हैं, देखो देखो तो इसी को मैं थोड़ा सा उलट के लिख रहा हूं। देखो इसको मैं पहले लिख देता हूं और इसको मैं बाद में लिख देता हूं, देखो क्या हो जाएगा, आ जाओ बिल्कुल देखो।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर ये हो चुका सर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग हो चुका। देख लो जो हमें प्रूफ करना था वो आया है कि नहीं, जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है कि नहीं। देख लो बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना था कि AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का वर्ग। यहाँ पर इन दोनों को आगे पीछे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही हमारा सर कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। इतना काम आपको करना पड़ेगा तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिलने वाला है। देख लो इतना सिंपल सा बात है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, यही सिद्ध करना था। लास्ट लाइन में लिख लो यही पाइथागोरस थ्योरम है, या फिर यही सिद्ध करना था जो आपको 5 में 5 अंक दिलाने वाली है। ठीक है, 5 में 5 अंक दिलाने वाली है, ठीक है, यही सिद्ध करना था। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा गया मानता हूं, लेकिन आपको लेना है 5 में 5 नंबर, तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, देख लो। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर, और अगला जो हमारा थ्योरम आता है सर, ये आता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, ये जो प्रमेय है ना थेल्स प्रमेय, ये भी आपको दो तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका में क्या होता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, दो तरीके से पूछा जा सकता है। सर अभी हम इसका आंसर कैसे लिखें कि 5 में 5 नंबर मिले। अब देखो इसको मैं लिखने का आपको फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखो हल। अब यहां पर आपको थेल्स प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए कि सर ये थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो यहां पर लिखो थेल्स प्रमेय। क्या लिखा सर मैंने यहां पर? लिखा थेल्स प्रमेय। अब थोड़ा सा स्पीड करने वाले, देखो थेल्स प्रमेय क्या कहता है। तो थेल्स प्रमेय के लिए सबसे पहले आप यहां पर नीचे की तरफ बना लो बड़ा सा त्रिभुज। देखो मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया। अब इस त्रिभुज को हम नामकरण भी कर देते हैं। ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। एक एक बात को अच्छे से नोटिस करना बच्चों। देखो यहां पर मैंने त्रिभुज लिया एबीसी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस त्रिभुज एबीसी के एक भुजा को मैंने लिया बीसी। अब बीसी भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी यहां पर, जिसको नाम दे दिया मैंने डीई। मैंने क्या किया, पहले त्रिभुज लिया एबीसी और उस त्रिभुज एबीसी मैंने एक भुजा लिया बीसी। बीसी भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच ली डीई। तब थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अब इस बात को नोटिस करना कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो जो रेखा है वो बाकी दो शेष भुजाओं को बराबर अनुपात पर काटती है। कैसे काटती है, बराबर अनुपात पर काटती है। ये हमारा कहता है सर थेल्स प्रमेय। अब इस बात को हम लिखेंगे। देखो मैं जो लाइन बोला हूं इसी बात को हम लिखेंगे। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात पर काटती है, बराबर अनुपात पर काटती है। बिल्कुल, ये हमारा सर ये होता है हमारा थेल्स प्रमेय। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा, सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने यहां पर एक त्रिभुज बना लिया। बिल्कुल सर, अब देखो यहां पर मैं कुछ रचना करने जा रहा हूं। क्या क्या रचना करूंगा, इस बात को आप नोटिस करना। देखो चलो दूसरे क्लास करता हूं, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं C को D से मिला दिया। पहला, अब मैं क्या करूंगा, B को मैंने D से मिलाया और B को मैंने E से मिलाया। अब इस बात को हम यहां पर पहले तो लिखना चाहेंगे। देखो इस बात को हम लिखेंगे, देखो लिखते हुए चलेंगे। बिल्कुल देखो, सबसे पहले मैंने बोर्ड को दो भाग में बांटा, अब यहां पर मैं लिखूंगा रचना। देखो रचना में हमने क्या क्या किया हुआ है, तो हमने क्या किया बच्चों, हमने अभी C को D से तथा हमने क्या किया है कि B को E से मिलाया। बिल्कुल, हमने यहां पर रचना में लिख भी दिया, रचना जो किया उसी बात को हमने यहां पर लिख दिया। बिल्कुल, इससे पहले बच्चों हम यहां पर एक चीज और कर सकते थे, क्या कि जो हमें सिद्ध करना है ना उसको हम यहां पर लिख देते हैं। देखो सिद्ध करना है, देखो हमें क्या सिद्ध करना है,
हमें क्या सिद्ध करना है कि एडी और ये डीबी का जो अनुपात है, एडी और ये जो डीबी का अनुपात है ना, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे। तो एडी का संगत भुजा ये हो जाएगा एई, एई। अब इसके अगर मैं डीबी की बात करूं तो डीबी के संगत भुजा कौन है सर, ये ईसी है। दोनों के अनुपात को हमें बराबर प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और ये हमारा रचना हो गया तीसरा स्टेप, बिल्कुल। तो रचना में मैं और कुछ काम करने जा रहा हूं, देखो क्या काम करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, शीर्ष बी से भुजा ए बी पर मैं एक अभिलंब ले रहा हूं, एक अभिलंब ले रहा हूं, और इस अभिलंब का चलो मैंने नाम दिया ई एफ, ठीक है। तो इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, देखो शीर्ष कहां से लिया हमने, ई से लिया ना, शीर्ष ई से, शीर्ष ई से हमने क्या किया, एक अभिलंब लिया जिसका नाम है ई एफ, और ये कहां पर लिया है, तो भुजा हमने लिया हुआ था ए बी, ये हो चुका ए बी, बिल्कुल सर। हम यहां पर एक और रचना करने जा रहे हैं, देखो क्या, अब मैं शीर्ष बी से भुजा ए सी पर एक अभिलंब डाल रहा हूं, ये मैंने डाला अभिलंब, और इस अभिलंब का चलो मैंने नाम दिया डी जी, क्या नाम दिया, डी जी नाम दिया। तो अब हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, शीर्ष डी से, बिल्कुल शीर्ष डी से, शीर्ष डी से हमने एक अभिलंब लिया है जिसका नाम है डी जी, और कहां पर लिया हमने, हमने ए सी, भुजा ए सी पर लिया, बिल्कुल हमला हमारा जो रचना वाला काम है वो पूरा हो चुका। अब हम क्या करेंगे, हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं उसकी उपपत्ति करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर डालो उपपत्ति, बिल्कुल उपपत्ति, ठीक है, चलो उपपत्ति। अब देखो बच्चों, वहां वापस अपने चित्र पर और देखो, यहां पर मुझे ए डी ई एक त्रिभुज दिख रहा है, ए डी ई और त्रिभुज दिख रहा है सर, ये दिख रहा है मुझे डी बी ई। मैं दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करने वाला हूं, मैं क्या बात करूंगा कि सर त्रिभुज ए डी ई और ये त्रिभुज डी बी, मैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला हूं, क्या ज्ञात करूंगा बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला हूं, ठीक है। तो इस बात को हम यहां पर लिखेंगे, देखो देखो कैसे लिखेंगे, आ जाओ बिल्कुल आ जाओ, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों, ये होता है एक बटा दो आधार गुना ऊंचाई। अब सर यहां पर ए डी ई के बारे में बात करें, इस पे आधार क्या होगा, इस पे आधार क्या होगा, देखो देखो यहां पर ये जो ई एफ है वो तो अभिलंब है, अभिलंब भी हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है, तो ये तो ऊंचाई की जगह आएगा। तो सर हम यहां पर आधार किसको ले, तो सबसे पहले मैं ये एडी को आधार मान लेता हूं, किसको, एडी को आधार ले लिया, एडी को मैंने ले लिया आधार, गुना आता है ऊंचाई, तो ऊंचाई मतलब कि आपका होता है अभिलंब, तो हमने क्या अभिलंब डाला हुआ था यहां पर ई एफ, यही सर हमारा होगा अभिलंब, बिल्कुल यहां पर चिपका दो ई एफ, बिल्कुल सर। एडीई का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, चलो इसको दे दो समीकरण नंबर एक, वापस आओ अपने चित्र पर, और मैं बात करने जा रहा हूं अब की बार त्रिभुज डीबीई में, देखो तो त्रिभुज डीबीई का मैं क्षेत्रफल निकालने वाला, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल देखो, तो सेम मेथड से निकालेंगे, ये होता है एक बटा दो आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो हमने यहां पर एडी को लिया था, तो इसके लिए भी हम क्या लेंगे, ये डीबी को ही लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, आधार लेंगे, डीबी हो गया, गुना आता है ऊंचाई, ऊंचाई। अब सर ऊंचाई किसको लेंगे, तो ये तो हमारा हो गया कर्ण, अब ऊंचाई किसको लेंगे, ऊंचाई मतलब कि आपका अभिलंब भी आता है, तो कोई बच्चा अब आपको यहां पर DE को मत बोलना कि ये सर ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब कि आपको लेना है अभिलंब को। अब ये जो DE है ये अभिलंब तो नहीं है, लंब तो नहीं है, ये था हमारा EFE, हमारा क्या है, क्या है बच्चों, अभिलंब है, यही हमारा कहलाएगा ऊंचाई। तो ऊंचाई की जगह हम क्या रखेंगे सर, ई एफ रखने वाले, बिल्कुल ई एफ रख दो। चलो इसको दो समीकरण नंबर एक, समीकरण आपको दो समीकरण मिल चुके हैं, दोनों समीकरणों को आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में भाग दे दो, बिल्कुल। तो सर हमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा, बिल्कुल पहले भाग देकर देखो, तो यहां पर यह हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बटे में क्या आ जाएगा, त्रिभुज ये हो जाएगा सर डी बी ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। देखो हम भाग देने जा रहे हैं तो भाग कैसे दिलाएगा, देखो जब दोनों को भाग दूंगा बच्चों, तो यहां पर भी एक बटा दो दिख रहा है, यहां पर भी एक बटा दो दिख रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ई एफ दिख रहा है, यहां पर भी ई एफ दिख रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा सर, डायरेक्टली हमें मिलेगा ए डी बटा डी बी। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, एक एक बात को नोट करने होते चलना, ठीक है। चलो ये हमें मिल चुका, चलो चलो इसको हम देते हैं समीकरण नंबर तीन, समीकरण नंबर मैंने इसको दिया तीन, चलो आ जाओ इधर आ जाओ, वापस आओ अपने चित्र पर और सोचो। अभी फिर से मैं निकालूंगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, फिर से मैं निकालूंगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालूंगा, अभी मैंने निकाला था तो ए डी को लिया हुआ था आधार, अब के बार मैं ए ई को लेने वाला हूं आधार, तो वापस से मैं निकालने वाला हूं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, बिल्कुल ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर
क्या होता सर, यह होता है 1/2 आधार। आधार में हम अब एडी को नहीं लेंगे, एई को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं सर, यह हो जाएगा एई गुना। अब देखो यहां पर हमें लेना ऊंचाई, किसका ऊंचाई, देखो तो हमने पहले वाले में ई एफ को लिया था, अब की बार हम अभिलंब को लेंगे डीजी को। किसको लेंगे बच्चों, डीजी को लेने वाले हैं, तो ये हो जाएगा सर डीजी, बिल्कुल। फिर देखो वापस आओ अपने चित्र पर। अब मैं यहां पर बात करूंगा सीईडी पर। अब मैं त्रिभुज लेने वाला हूं सीईडी को, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने वाला हूं। तो त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, बिल्कुल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये होता है 1/2 आधार। आधार का मान क्या आएगा, तो आधार तो हमने लिया था एई को, तो यहां पर भी जो आधार है वो इसी रेखा में आएगा, मतलब कि ईसी को ही लेंगे हम। ये हो जाएगा ईसी गुना आएगा ऊंचाई। क्या आएगा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कि आपका आएगा लंब। तो लंब तो हमारा ये डीई नहीं है, क्या है सर, ये डीजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, ये डीजी आ जाएगा। तो यहां पर आपको ऊंचाई की जगह लेना है डीजी। चलो इसको देते हैं समीकरण नंबर हम चार। समीकरण नंबर चार दिया और इसको मैंने दिया समीकरण नंबर पांच। वापस से वही कारण दोहराऊंगा, दोनों समीकरणों को मैं भाग करने वाला, बिल्कुल। तो समीकरण चार भागित पांच से, समीकरण चार भागित पांच से, बिल्कुल बहुत इजी बच्चों, कुछ दम नहीं, कुछ भी दम नहीं है। चलो दोनों समीकरणों को हम भाग देने जा रहे हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा त्रिभुज सी डी ई या फिर सीई डी का क्षेत्रफल, बिल्कुल का क्षेत्रफल बराबर। चलो भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां पर डीजी दिख रहा है सर, यहां पर भी डीजी दिख रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा ए ई बटे में मिल जाएगा सर ये ईसी, बिल्कुल। इसको दो समीकरण नंबर कौन सा जाएगा, ये आ चुका छठवा समीकरण, छठवा हमें मिल चुका सर, बिल्कुल। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो वापस आओ अपने चित्र पर और देखो यहां पर त्रिभुज जो डी बी ई है ना, और ये त्रिभुज सी ई डी है, दोनों का आधार यहां पर डी है, दोनों का आधार क्या है डी है। और जो दोनों त्रिभुज है वो दो समांतर रेखाओं, ये डी ई और ये बी सी के बीच स्थित है। बच्चों हमने कक्षा 9वीं में एक प्रमेय पढ़ा हुआ है कि अगर जो दो त्रिभुज है उसका आधार सेम होते हैं और दोनों जो है एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यह हमने कक्षा 9वीं में प्रमेय प्रूफ किया हुआ है। चूंकि इसलिए करके सकते हैं, अतः देखो अतः करके लिखते हैं, अतः त्रिभुज नहीं, हाँ त्रिभुज 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 सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा बच्चों, तो ये क्षेत्रफल डीबीई, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का आधार सेम है और दोनों जो है वो डीई और ये जो बीसी, दोनों जो है वो दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। हमने कक्षा 9वीं में इसको प्रूफ किया हुआ है इस प्रमेय को, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जब दोनों बराबर हैं तो यहां पर मैं सी ई डी की जगह सर ये बी डी ई लिख सकता हूं, यानी कि यहां पर देखो ये भी ए डी ई का क्षेत्रफल आता है, यहां पर बी डी ई का क्षेत्रफल, और यहां पर समीकरण पांच को देखो, देखो यहां पर ए डी ई का क्षेत्रफल और यहां पर सी ई डी, तो सी ई डी का क्षेत्रफल और ये बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो डायरेक्टली मैं यहां पर लिखना पसंद करूंगा क्या, कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में क्या आ जाएगा सर, समीकरण में तीन को देख रहा हूं ना, तो समीकरण तीन में क्या था नीचे में, डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होगा किसके, तो समीकरण छह, तो समीकरण छह में क्या दिया था, एडीई, एडीई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ठीक है, बटे में क्या था, यह था सीईडी का क्षेत्रफल, और ये सीडीई का क्षेत्रफल डीबीई के बराबर है, तो दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल बिल्कुल। चलो अब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात हमने निकाला हुआ एडी बटा डीबी है, एडी बटा यहां पर चिपकाओ डीबी, मैंने मान रख दिया एबी एडी बटा, ये हो चुका सर डीबी। अब देखो यहां पर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और सीईडी का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात भी हमने निकाला हुआ एई बटा ईसी हो जाएगा, एई बटा ये हो चुका सर ईसी, देख लो एई बटे में आ जाएगा सर ये ईसी, जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है। देखो बच्चों हमें क्या प्रूफ करना, एडी बटा डीबी बराबर,
क्या था AE बटा EC, यहाँ पर आया AD बटा DB बराबर AE बटा EC आ चुका है, यही सिद्ध करना था। लास्ट टाइम में क्या लिखेंगे, यही सिद्ध करना था, यही थेल्स प्रमेय। तो थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन आपको पांच में से अगर पांच नंबर लेना है तो इतना काम तो करना पड़ेगा ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आज आपको दो महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बता दिया, पहला हमारा पाइथागोरस प्रमेय था और दूसरा हमारा था थेल्स प्रमेय। दोनों प्रमेय को बस पढ़ना, बाकी कोई भी प्रमेय आपको करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। दो प्रमेय और आपके पांच में से पांच अंक पक्के होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल बच्चों लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों तक शेयर करना है। हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।